हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 22 अक्टूबर, और अभी दोपहर के 1:05 हो गए हैं। मॉर्निंग से मैं बहुत ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था घर का, तो मैंने सोचा आज पहले काम निपटाते हैं, उसके बाद से आराम से बात बात करेंगे। तो बस थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद से फिर दक्षिता को मैंने पहले ट्यूशन का काम कराया, क्योंकि वो एन वक्त पे फिर रोने गाने लग जाती है। काम नहीं हुआ तो नहीं जाना है, फिर करेगी भी नहीं सही से बैठ के। आजकल थोड़ा सा बदमाशी करने लग गई है, मतलब जल्दी करती नहीं है, तो थोड़ा डांटो वाटो साथ में बैठो तभी करती है। तो वो सारा काम निपटा करके मैं अपना साफ सफाई वाला मैंने पहले उसको काम कराया, फिर 2-3 दिन से मैं कपड़े वॉश कर करके बस रख रही थी। तह नहीं मैं कर पा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कपड़े भी बहुत ज्यादा हो जा रहे थे, तो उन सबको मैंने तह लगा दी। अभी आपको दिखाऊंगी कितने ज्यादा कपड़े हैं। तो वो सब किया मैंने, और अभी 1:05 हो गए हैं, मुझे जाना है पार्लर। ज्यादा कुछ नहीं, बस थ्रेडिंग और वैक्सिंग कराऊंगी। दक्षिता ट्यूशन चली गई है, मैं सोच रही हूँ उसके आने से पहले मैं आ भी जाऊं, तो बस थ्रेडिंग और वैक्सिंग ही कराना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। या अगर पार्लर में भीड़ रहा तो टाइम लग भी सकता है, कुछ पता नहीं है। तो पार्लर से आते समय ही मैं फेशियल किट लेते आई थी, और मुझे आता है फेशियल करना, स्टेप्स मुझे पता हैं, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही कर लेते हैं। वैसे ही पार्लर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, भीड़ भी थी, ऊपर से हमें 1.5-2 घंटे लग गए थे बस थ्रेडिंग और वैक्सिंग में ही। तो मैं लेते आई थी घर पे, मैंने कर लिया था, और ये था कि चलो कुछ न होने से बेहतर कुछ कर लेते हैं, ऐसे ही टाइम भी था, तो बस ऐसे ही मैं घर पे मैंने कर लिया था, वही 5 स्टेप्स जो रहते हैं। तो अभी मैं फेस पैक ही लगा रही हूँ, और 10-15 मिनट तक मैंने किया था फेशियल अपना। शाम के 4:30 हो गए हैं, 3 बजे मैं पार्लर से आई और भीड़ थी थोड़ी सी, इसीलिए और लेट लग गया। 1:30 बजे मैं गई थी, नहीं 1:30 बजे के पहले ही गई थी, और मैं गई थी, मेरी ननद गई थी वहाँ पे, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, भीड़ थी इसलिए। तो बस थ्रेडिंग कराया, फोरहेड कराया, वैक्सिंग करा ली है, और आते समय मैंने सोचा चलो फेशियल किट ले लेते हैं, घर पे ही थोड़ा कर लेंगे ऐसे ही। और वैसे मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है, तो स्टेप्स पता है, बस ये है कि अपने हाथ से अपने फेस पे उतना अच्छे से होता नहीं है, और पार्लर में इतनी भीड़ चल रही है ना, कितना देर कोई वेट करे। आसपास में एक ही है बढ़िया, और एक तो बंद ही था। तो मैं प्योर रूट्स का लेके आई थी फेशियल किट, लेके आई, 170 रुपीज का मुझे मिला, और बढ़िया है, मतलब 3 बार हो जाएगा, 1 बार मैंने कर लिया है, तो वही 5 स्टेप हैं इसमें भी। तो और इसमें एक बॉडी लोशन भी फ्री था। गुड इवनिंग, तो अभी शाम के 5 बज गए हैं, और मैंने फेस वॉश कर लिया है, और थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, बस लिपस्टिक ही लगाई है मैंने, और बिंदी, और थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल, बाकी डायरेक्ट मतलब फेस पे कुछ भी नहीं अभी मैंने लगाया है। अभी थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा पसीना हो रहा है ना, गर्मी सी हो रही है इसलिए। हाँ, तो मैंने सोचा पहले मैं आपको दिखा दूं मैं क्या क्या ले करके आई हूँ। तो सबसे पहले है ये रेड कलर का बैंगल, लहंगे का ही मैचिंग है, कुछ ऐसा है। एक हाथ में इतना, एक हाथ में इतना, ऐसे आएगा ये। एक मैंने ये लिया है, और इसके अलावा ना मेरे पास अभी एक रेड कलर का भी चूड़ा का भी सेट है, जो मैंने करवा चौथ मेकअप लुक में पहना था, वो भी है मेरे पास। फिर ये बैंग मतलब कड़े आप कह लो, डेली यूज के लिए मैं डेली यूज में इसी टाइप के पहनती ही हूँ, तो ये है। और इसके अलावा 2 मेहंदी की कीप ये है, फिर ये है झुमके, ये ना मेरे पास एक इसी पीच कलर का ही, पीच पिंक मिक्स है, मतलब इसी कलर का मेरे पास एक लहंगा है, तो मतलब वो यहाँ तक के नेक का है पूरा, उसमें पूरा ये वर्क दे रखा है, एम्ब्रॉयडरी पूरी हो रखी है उसपे।
तो उसमें ना नेक पीस ना पहनो तो चलेगा, बट अगर इयररिंग्स अगर ऐसे हैवी हैवी हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अभी तक उसके लिए कुछ लिया नहीं था, मैं बस ऐसे ही गोल्डन कलर का सेट उस पर पहन लेती थी जब भी मैं पहनती थी। तो इत्तेफाक से मुझे ये दिख गया तो मैंने इसको ले लिया। देखो आप ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये ना बस 100 रुपीज का है, यहाँ पे बस मुझे 100 रुपीज का मिला है। और ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने ये ले लिया। इसके अलावा एक है नेल पेंट रेड कलर में, अगेन क्योंकि मेरा लहंगा रेड कलर में है। और इसके अलावा ना मैंने ये एक बैंगल ली है, मतलब मॉर्निंग में बस ऐसे ही पहनने के लिए। कांच की चूड़ियां शुभ मानते हैं तो कांच की चूड़ी जरूर पहनना है, तो बस इसीलिए इसको मैंने ले लिया। ये है मेरा लहंगा, स्कर्ट एरिया इस तरह है, बॉटम पे इस तरह वर्क दे रखा है। मैं बहुत हैवी मुझे बहुत ज्यादा हैवी कपड़े नहीं पसंद आते। ये मैंने नया नहीं परचेज किया, ये मेरे देवर की शादी का लहंगा है, तो ड्राई क्लीन करा करके रखा हुआ है, मैं इसे ही वेयर करूंगी शाम को। और मॉर्निंग में तो बस सूट ही पहन लेंगे। और इसका ब्लाउज कुछ ऐसा है, ड्राई क्लीन करा हुआ है, अच्छा ऐसा है इसका ब्लाउज। और इसकी जिप साइड जिप है, इस साइड से जो साइड जिप होती है। और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, इस लहंगे का सेट नहीं है ये, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, शादी का नहीं है वैसे, बस मैंने बोला था मम्मी मुझे रेड कलर का चाहिए इस लहंगे के लिए, क्योंकि इस लहंगे का दुपट्टा बेज कलर का था और बस किनारी पे रेड कलर का बॉर्डर दिया था तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, तो मैंने इसके लिए अलग से ये दुपट्टा मैंने नहीं परचेज किया है, मेरी मम्मी ने मुझे ये दिया था, तो मैं इस पे यही वाला दुपट्टा यूज करती हूँ। ये सारा सामान था जो मैंने लिया था, और बस अभी और हाँ मेहंदी दो, तो अभी और कुछ लेना नहीं रह गया। तो अभी रात के 9:30 हो गए हैं, 9:35 हो गए वैसे, और मैं अभी आई हूँ ऊपर, और शाम के बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कहीं जाना था, कहीं क्या जाना था, अपनी ननद का फेशियल करने जाना था मुझे। फिर वहां मैं गई और काम वाम अपना सारा करके गई थी, 6:10 तक मैंने अपना सारा काम वाम निपटाया, फिर वहां पे गई, फिर वहां से आई तो फिर फटाफट से मैंने खाना वगैरह बनाया, क्या सिंपल खाना था, रोटी सब्जी, तो रोज रोज क्या है कि चीज रिकॉर्ड करूं, तो इसीलिए और भी नहीं मैंने कुछ रिकॉर्ड किया। प्लस मेरे पेट में बहुत ज्यादा अचानक से दर्द होने लग गया था, मुझे थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इनफैक्ट मैंने खाना भी नहीं खाया है आज दर्द की वजह से, और मन भी नहीं कर रहा था कि वीडियो आगे का कुछ और करूं, एक रीजन ये भी था। और आज पूरे दिन मतलब खड़े या बैठे ही निकल गया है, मैं लेट नहीं पाई हूँ, बस फेस पैक लगा करके मैं 10 मिनट के लिए मैं लेटी थी। और पेट दर्द की वजह से ना मेरे कमर में पीठ में मतलब बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है इस टाइम, तो बस इसी वजह से मैंने और कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। अभी रात हो गई है, सोने आ गई हूँ ऊपर, तो दक्षिता फिर से अपने पापा को पढ़ा रही है, उन्हें मार रही है, कान पकड़ के ऐसे खींचती है उनका, तो वो तो खैर वीडियो में आना नहीं चाहते मेरे हस्बैंड, इसीलिए मैं उनका कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ, तो बस पढ़ा रही है, कभी गाने चला रही है गूगल पे, यही कर रही है, आज वहीं पे है वो। मैंने सोचा लो अपना वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। मैं भी थोड़ी देर अभी आ करके ना 5 मिनट के लिए लेटी थी, मतलब मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है इस टाइम, मतलब डेली था थोड़ी देर दोपहर में लेट लेते थे, बेशक ना नींद में सोए बंदा, लेकिन थोड़ी देर लेट लो ना एटलीस्ट कमर तो सीधी हो जाती है। और आज पार्लर में भी बैठे बैठे मतलब 1.5-2 घंटे लग गए थे हमें पार्लर में भी, तो बस इसलिए। और ऐसा था कुछ आज का दिन, मैंने जो भी शॉपिंग करी है अपने लिए करवा चौथ के लिए वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। आज 22 हो गया है, 24 को करवा चौथ है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है, कितनी बाकी है। मेरी तो पूरी हो गई है, बस अब कल मुझे मेहंदी लगवाने जाना है, और देखती हूँ अभी इस टाइम तो नहीं मन कर रहा है, अब कल ही हेयर ऑयल लगाऊंगी और संडे को ही फिर बाल वॉश करूंगी। तो ऐसा था कुछ आज का दिन, और आई होप कि आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। इस ब्लॉग को मैं इसी के साथ इधर ही एंड करती हूँ,
आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।